कल पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन वाठोड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले स्नेहनगर संभाग से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां अपने ही माँ बाप से परेशान होकर 13 वर्षीय नाबालिग ने आजाद होने का फैसला लिया और नागपुर से मुंबई रवाना हो गई। लेकिन वाठोड़ा पुलिस की कर्तव्य परायणता के बूते पर नाबालिग का पता लगा कर सही सलामत वापिस लाया गया। दरअसल कल शाम 4 बजे के दौरान 13 वर्षीय नाबालिग अपने माँ बाप को इत्तला ना करते हुए नागपुर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हो गई। जब माँ को अंदाजा हुआ कि अपनी बेटी घर पर नहीं है, तो बात की गंभीरता को समझते हुए दोनों दंपति वाठोड़ा पुलिस थाना पहुँचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी बीच फिरियादी ने बताया कि कुछ दिनों से नाबालिग का उनसे अल्फाजी विवाद हो रहा था, जिसके कारण शायद वह परेशान थी। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में उम्र की किरण थी, क्योंकि नाबालिग के पास मौजूद वह फोन जिसे उसने अपनी मां को बिना बताए लिया था। इस बात का पता चलते ही वाठोड़ा पुलिस द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए लोकेशन ट्रेस की गई, जहां निष्पन्न हुआ कि नाबालिग नागपुर से मुंबई मार्ग पर सफर करी है। इसी दौरान शीघ्रता से उसको फोन करते हुए पुलिस उप निरीक्षक द्वारा उसे समझाया गया और विश्वास जीतते हुए वीडियो कॉल किया गया और आगे वाले स्टेशन पर उतरने के लिए कहा, जिसके बाद रात को ही 2 बजे वाठोड़ा पुलिस का एक दस्ता शेगांव रेलवे स्टेशन पहुंचा और गुमशुदा नाबालिग को वापस लाया गया। वाठोड़ा पुलिस द्वारा की गई शीघ्र कार्रवाई के चलते पूरे क्षेत्र में पुलिस के कर्तव्य परायणता की चर्चा हो रही है। कल 15/8/2023 बजे पोस्टल वाठोड़ा हद्दी के एक 13 वर्षीय मुलगी आहे, ती पळून घरून पळून गेल्या बाबाची तक्रार घेऊन तिचे आई वडील पोलीस स्टेशन आले। त्यांच्या तक्रारीवरून आम्ही IPC 363 नुसार गुन्हा दाखल केला आणि आमचा तपास चालू केला। आमच्या असं लक्षात आलं की मुलीने तिच्या आईचा मोबाईल बरोबर नेलेला होता, मग आम्ही तिच्या मोबाईलचं कंटिन्यू लोकेशन घेत होतो, लाईव्ह लोकेशन घेतलंय, त्यामुळे आमच्या असे निदर्शनास आले की मुलगी ट्रेनने मुंबईच्या दिशेने जात आहे। आम्ही आमच्या पोलीस उपनिरीक्षकाच्या माध्यमातून त्या मुलीसोबत फोनवर बोलत होतो, तिचा कॉन्फिडन्स आम्ही गेन केला आणि त्यानंतर ती आमच्या बरोबर व्हिडिओ कॉलवर देखील बोलू लागली। व्हिडिओ कॉलवर बोलल्यानंतर तिचं आम्ही मनपरिवर्तन करण्यात यशस्वी झालो आणि तिला शेगाव रेल्वे स्टेशनवर उतरण्यास आम्ही भाग पाडलं। मीन वेळ आम्ही शेगाव रेल्वे पोलीस GRPF यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करून त्या मुलीचा त्यांना देखील फोटो पाठवला आणि त्यांनी तिला ताब्यात घेतलं। त्यानंतर रात्री 2 वाजता आमची टीम इथून शेगाव येथे रवाना केली आणि सकाळी तिला आता शेगाव इथून परत आणलेलं आहे आणि सध्या तिला तिच्या आई वडिलांच्या ताब्यात सुखरूपपणे देण्यात आलेलं आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।